इंडिया बना रहा है 1300 किलोमीटर लंबी सी वॉल, मतलब समुद्री दीवार, क्योंकि इंडिया की कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल तेजी से इंक्रीज हो रहा है और पिछले कुछ सालों में कोस्टल इरोजन इतना तेजी से इंक्रीज हुआ है कि गांव के गांव समुद्र में समा जा चुके हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन्स भी पहले से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुके हैं इंडिया के अंदर। और इस क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इतना हाई है कि तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में कुछ विलेज परमानेंटली रिलोकेट हो चुके हैं। यह बात सिर्फ विलेजेस के रिलोकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ स्टडीज ने ये भी इंडिकेट किया है कि 2050 तक मुंबई के भी कुछ एरिया श्रिंक हो सकते हैं समुद्र के अंदर। न सिर्फ मुंबई बल्कि इंडिया की हर एक कोस्टल सिटी 2 mm पर ईयर सिंक हो रही है इनटू सी। इस तरह की सेम रिपोर्ट्स चेन्नई के लिए भी पब्लिश हुई है, जिसमें चेन्नई के 76% चेन्नई कोस्ट रिस्क में आ सकते हैं 2050 तक। चेन्नई के लिए तो कुछ स्टडीज ने ये भी इंडिकेट किया है कि आने वाले कुछ टाइम में 7% ऑफ चेन्नई लैंड सबमर्ज हो जाएगी सी के अंदर। इंडिया के इस कंसर्न से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा कितने सारे छोटे शहरों में फ्लडिंग, कोस्टल इरोजन, सोल्ट वाटर इंट्रूजन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज के रिस्क इंक्रीज हो गए हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक है और वो है 1300 किलोमीटर लंबी एक सी वॉल जो हमें प्रोटेक्ट करे इन सब चीजों से। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 7 इंडिया के कोस्टल स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेगा कोस्टल डिजास्टर से। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, क्या ये सी वॉल जो है वो सच में हमारी प्रोटेक्शन कर पाएगी और किस तरह से ये सी वॉल जो है वो काम करती है और कब तक ये सी वॉल भारत में बनकर रेडी हो जाएगी एंड कितने किलोमीटर ऑफ सी वॉल इंडिया के पास अभी है। आइए समझते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, चैलेंज और इसका फ्यूचर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फोरेक्स इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना काफी ज्यादा जरूरी है। मार्केट फॉर यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 18 साल से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुका है, जहां पर आप फोरेक्स कम्युनिटी, क्रिप्टो, स्टॉक्स में आसानी से ट्रेड कर सकते हो। मार्केट फॉर यू पर मिलता है आपको 1:4000 का एक्सेप्शनल लीवरेज और 100% डिपॉजिट बोनस, जो इस प्लेटफॉर्म को बनाता है एक ट्रस्टेड और कस्टमर फ्रेंडली ट्रेडिंग ऑप्शन। और अभी तो इसका चल रहा है स्पेशल एनिवर्सरी प्रमोशन, जिसमें आप ट्रेड करके जीत सकते हैं कैश प्राइज, आईफोन, मैकबुक और लग्जरी कार तक। मार्केट फॉर यू प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस रजिस्टर करें, ट्रेड स्टार्ट करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया बूस्ट दे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इंडिया के पास है टोटल 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, जो इंडिया के 9 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के थ्रू गुजरती है, इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसमें 72 डिस्ट्रिक्ट और 1500 कोस्टल विलेज डायरेक्ट रिस्क में आ गए हैं। जानते हैं आखिर ग्राउंड सिचुएशन क्या है। देखिए, सी लेवल इंडिया के अंदर हर साल 3.3 mm की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, बल्कि ये डेटा मैं आपको IMD और IPCC के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। हर साल दो साल के अंदर साइक्लोन जैसे फैनी 2019, अम्बन 2020 और टगोटे 2021 ने बिलियन डॉलर का लॉस किया इंडिया का। लगातार इरोजन से लैंड श्रिंक हो रही है, जिससे कुछ जगह 1 से 2 किलोमीटर कोस्टल लैंड जा चुकी है। फॉर एग्जांपल, वेस्ट बंगाल के घोरमारा आइलैंड का 50% हिस्सा समुंदर में जा चुका है। उड़ीसा के सातभाया क्लस्टर के 7 गांव अब डूब चुके हैं। लोगों को नए गांव यहां बसाने पड़ रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम एक रीजनल नहीं बल्कि नेशनल लेवल की इमरजेंसी बन चुकी है इंडिया के लिए। अब जानते हैं आखिर ये 1300 किलोमीटर सी वॉल प्रोजेक्ट है क्या। वैसे तो देखिए, एक तरह की दीवार ही होती है, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, बट हर स्टेट में ये अलग अलग टाइप से डेवलप हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक लेयर्ड कोस्टल डिफेंस सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के कंक्रीट वॉल से लेके मैंग्रोव फॉरेस्ट तक इंक्लूड किए गए हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक तरह के जंगल होते हैं जो समुद्र के किनारे नमकीन पानी वाले इलाकों में उगते हैं। इसमें मैंग्रोव नाम के पेड़ पौधे होते हैं जो नमकदार मिट्टी और पानी में भी जी सकते हैं। ये जंगल जो है वो कोस्टल इरोजन को रोकते हैं, मछलियों और प्राणियों के लिए घर भी देते हैं और क्लाइमेट चेंज से बचाव में भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। इन सब चीजों के अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है, ये 70 से 90% जो वेव एनर्जी होती है समुद्र की, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे जो ये समुद्री लहरें होती है वो शहरों को और गांवों को कम नुकसान पहुंचा पाए। एंड ऑलरेडी इंडिया इनका यूज सुंदरबन और महानदी डेल्टा जैसे एरियाज में कर रहा है। चलिए अब जानते हैं इंडिया के कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट में मेन फीचर्स के बारे में। नंबर 1 पे है सी वॉल्स एंड एम्बैंकमेंट्स। ये कंक्रीट या पत्थर के स्ट्रॉन्ग वॉल्स होते हैं जो समुद्र के वेव्स को प्रेशर को स्ट्रोक लेते हैं। बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो ये वेव से डायरेक्ट टक्कर लेकर कोस्ट को इरोजन से बचाते हैं। एंड ये ऑलरेडी मुंबई, चेन्नई जैसे सिटीज के अंदर यूज हो रहे हैं। वैसे तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, बट एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है और अगर इनका गलत डिजाइन किया जाए तो साइड के एरियाज में कटाव ज्यादा बन सकता है। नंबर 2 पे है जियो ट्यूब्स। ये एक बड़े सिंथेटिक बैग्स होते हैं जो मिट्टी से भरे होते हैं और इनको कोस्ट पर लगाया जाता है,
ताकि वेव्स को सिटी के अंदर आने से और कटाव होने से रोका जा सके। अब बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो एक तरह के सॉफ्ट बैरियर होते हैं वेव्स के अगेंस्ट, और अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट पर इसका यूज ऑलरेडी हो रहा है। ये काफी सस्ते होते हैं कंपेयर टू सी वॉल्स और इको फ्रेंडली भी होते हैं, जल्दी इंस्टॉल भी हो जाते हैं। ये बेसिकली वेव इम्पैक्ट को तकिए की तरह अब्सॉर्ब कर लेते हैं। नंबर तीन पे है आर्टिफिशियल रीफ्स। ये समुद्र के अंदर लगाए जाने वाले मैन मेड कॉन्क्रीट या स्टोन के ब्लॉक्स है जो वेव एनर्जी को तोड़ देते हैं। बात इनकी करें कि ये कैसे काम करते हैं, तो एक्चुअल में ये वेव्स के जो प्रेशर होते हैं उन्हें किनारे तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। तमिलनाडु, गोवा, केरला में ऑलरेडी इनका यूज हो रहा है। ये मरीन लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं, कोरल फिश वापिस आते हैं इनसे। इसमें हमारी प्रोटेक्शन तो होती है, साथ में थोड़ा इको फ्रेंडली भी होता है। नंबर चार पे है स्टॉर्म सर्ज बैरियर। एक्चुअल में ये एक मूवेबल गेट्स होते हैं जो साइक्लोन और हाई टाइड के वक्त में बंद हो जाते हैं, जिससे हम फ्लड से बच सकते हैं। बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो स्पेशली ये यूजफुल होते हैं इन डेल्टा एरिया जैसे सुंदरबंस। ये प्लस फ्लड और हाई टाइडल वेव्स को रोक देते हैं। नीदरलैंड जैसी कंट्री में एक बड़े लेवल पर इनका यूज हो रहा है। अब इंडिया भी इसको प्लानिंग में है। वैसे ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है सी वॉल्स से, बट साइक्लोन के टाइम पे लाइफ सेविंग साबित होता है। नंबर पांच पे है टेट्रापोड्स, जो हमारी मुंबई में आपको देखने को मिल जाएंगे। टेट्रापोड्स जो है वो कंक्रीट के बने होते हैं। इनके पैर टेट्रा जैसे डिजाइन में ये ब्लॉक्स होते हैं, जिनको समुद्र के किनारे लगाया जाता है। एंड जब समुद्र की लहरें इन टेट्रापोड से टकराती है, तो समुद्र की लहरों की जो एनर्जी है वो टूट के बिखर जाती है। और इन टेट्रापोड्स को चार लेग के साथ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक दूसरे के साथ ये इंटरलॉक हो जाए, और स्ट्रॉन्ग वेव्स के टाइम पर ये हिले ना, बल्कि उसको पूरा हैंडल कर पाए। और ये वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब और डिसअपीयर करने के लिए अब तक का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। मुंबई मरीन ड्राइव में आपको ये टेट्रापोड्स लगे हुए मिलेंगे। ये आइकॉनिक भी और फंक्शनल भी है। इसके अलावा चेन्नई, कोची, विगा जैसे सिटीज में भी कोस्टल इरोजन के बचाव के लिए इनका यूज हो रहा है। ये लॉन्ग लास्टिंग है और लो मेंटेनेंस भी होते हैं। इसके अलावा डोलोज, एक्रोपोर्ट्स, एक्सप्लोक्स, सीबी ब्लॉक्स जैसे काफी सारे स्ट्रक्चर इंडिया और बाकी कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। अब फाइनली जानते हैं कि ये 1300 किलोमीटर लंबी दीवार किस किस स्टेट में कहां पे बन रही है और कौन से मोस्ट इफेक्टेड स्टेट्स है इसके। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 750 से 800 किलोमीटर की वॉल तो कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट भी कर चुकी है। बाकी 500 किलोमीटर का जो काम है अभी 2025 और 30 के बीच में कंप्लीट होता हुआ आपको दिख जाएगा। इसमें नंबर वन पे है वेस्ट बंगाल, जहाँ सुंदरबन रीजन के अंदर 100 किलोमीटर से ज्यादा के सी प्रोटेक्शन वॉल्स बनाए गए हैं। ये एक हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से फंडेड है। सी वॉल के अलावा यहाँ पे फ्लड गेट्स, इको फ्रेंडली डैंक सिस्टम भी बन रहे हैं, जिससे फ्लड और टिडल वेव्स से प्रोटेक्शन मिल सके। नंबर दो पे है उड़ीसा। उड़ीसा के चिल्लिका लेक के आसपास भी मैंग्रोव्स लगाए जा रहे हैं, जो नेचुरल वेव्स के ब्रेकर होते हैं, और कोस्टल बेल्ट के ऊपर जो पुराने सी वॉल्स हैं उनको मजबूत बनाया जा रहा है ताकि वो कटाव और फ्लड को रोकने के लिए अच्छे से काम करे। बात अगर तमिलनाडु की करें, तो तमिलनाडु में नागपट्टिनम, कुडलूर और टुट्टुकुड़ी जैसे कोस्टल एरियाज में साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं, और साथ ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सी वॉल्स भी डेवलप की गई है। 2004 के सुनामी के बाद यहाँ कोस्टल प्रोटेक्शन जोन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी मछलीपट्टनम, काकीनाडा और कृष्णा डेल्टा एरियाज के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे बैरियर और सी वॉल्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यहाँ फ्रीक्वेंटली साइक्लोन हिट करते रहते हैं, इसलिए ये एरिया तो खास तौर पर हाई प्रायोरिटी पर है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा केरला, जहाँ पे कोलम, अलप्पड़ और वाइपिन जैसे एरियाज के अंदर 2004 सुनामी के बाद कंक्रीट सी वॉल्स तेजी से बनाए गए थे, और अभी 7 कोस्टल लोकेशन के अंदर नए सी वॉल्स के प्रोजेक्ट अभी केरल में चल रहे हैं ताकि कटाव और हाई टाइड से बचाव किया जा सके। इसके अलावा बात गुजरात की करें, तो दीव, वेरावल, पोरबंदर और कच्छ रीजन के अंदर समुद्र के किनारे रॉक्स वॉल बनाए जा रहे हैं, जो कटाव को कंट्रोल के लिए काफी इफेक्टिव है। एंड बात महाराष्ट्र की करें, तो मुंबई से लेकर कोंकण रीजन तक समुद्र के किनारे शोरलाइन इरोजन कंट्रोल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ ही मुंबई कोस्टल रोड जो प्रोजेक्ट है उसका भी एक पार्ट है, जिसके अंदर फ्लड बैरियर भी प्लान किए गए हैं, जिससे सी लेवल अगर बढ़े तो सिटी सेफ रहे। हाई वेव्स एरियाज में काफी सॉलिड प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग जो वॉल्स यहाँ पे डेवलप की जा रही है। बात करें अपकमिंग मेजर सी वॉल्स प्रोजेक्ट की, तो इसमें ऑफ कोर्स नंबर वन पे है मुंबई कोस्टल रोड सी वॉल विद लैंड रिक्लेमेशन। ये 14,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है, जहाँ 7.5 किलोमीटर लंबा और 8.5 मीटर ऊंचा सी वॉल बन रहा है। इसका पर्पस है मुंबई के रिक्लेम्ड लैंड और रोड्स को अरबियन सी की वेव्स से प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे फ्लड गेट और अंडर वाटर टनल्स भी शामिल है। ये इंडिया का अब तक का आजादी के बाद सबसे बड़ा इंजीनियर सी वॉल बनाया जा रहा है। नंबर दो पे है केरला। केरला के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो जियो ट्यूब वॉल्स के हैं। केरला गवर्नमेंट और नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने मिलकर 22 बीचेस पर ऑफशोर सिंथेटिक जियो ट्यूब ब्रेक वाटर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसका बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा का है। इससे जो कोस्टल का इरोजन है वो कम होगा और बीच में टूरिज्म भी बचेगा। टेंडर यहाँ मॉनसून के बाद ही रिलीज होने वाला है। इसके अलावा केरल के पुंथुर और त्रिवेंद्रपुरम के अंदर भी जियो ट्यूब का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट में भी करोड़ों रुपए की लागत
शुरुआत आने वाली है। इस प्रोजेक्ट के दो सेगमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है और तीसरा 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर चार पे है तमिलनाडु का रबल माउंट सीवॉल प्रोजेक्ट, जिसको नागापट्टिनम रीजन के अंदर बनाया जा रहा है। इसके अलावा नंबर पांच पे है पुडुचेरी का प्रपोज सी प्रोटेक्शन वॉल, जो एक प्रपोज प्लान है। नंबर छह पे है कर्नाटका मंगलुरु के अंदर परमानेंट सी वॉल। कर्नाटका गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का बजट अलॉट किया है एक परमानेंट सी वॉल बनाने के लिए उलाल कोस्ट लाइन पर। ये भी एक वर्ल्ड बैंक का सपोर्टेड प्रोजेक्ट है जो उड़ीसा में 56 विलेजेस को प्रोटेक्ट करेगा। नंबर आठ पे है मेगा सी वॉल ग्रेटर मुंबई प्लान। कुछ अर्बन प्लानर्स ने सजेस्ट किया है कि एक बड़ी सी वॉल बनाने की जरूरत है साउथ मुंबई के अराउंड, जहाँ पे लैंड रिक्लेमेशन और फ्रेश वाटर लेक्स भी हो। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट अकेले ही 50 से 60 बिलियन डॉलर का आएगा, लेकिन ये सिर्फ अभी एक थियोरिकल आइडिया है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव इसको नहीं किया है। और ये सभी जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से नेशनल कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी के अंडर ही हो रहे हैं। सीआरजी नोटिफिकेशन 2019 के अंडर हर कोस्टल स्टेट को सोर लाइन मैनेजमेंट प्लान बनाना जरूरी है। हार्ड स्ट्रक्चर जैसे सी वॉल सिर्फ जरूरत के हिसाब से और साइंटिफिक असेसमेंट के बाद ही अलाउड है। ये वैसे तो एक नेशनल फ्रेमवर्क है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट वाइज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट को, जानते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, फंडिंग और एजेंसीज के बारे में। ये जो सभी स्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स है, इन सबको मिला के टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इसका आता है 30 से 40 हजार करोड़ रुपए। और इस पूरे प्रोजेक्ट की मेजर फंडिंग आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट से, रिस्पेक्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वर्ल्ड बैंक, ग्रीन क्लाइमेट फंड से, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, वर्ल्ड बैंक ने 3,800 करोड़ का रेजिलिएंट केरला इंसेंटिव फंड अप्रूव किया है कोस्टल जोन्स के लिए। उड़ीसा में कोस्टल रेजिलियंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 160 विलेजेस प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में भी साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के अंडर सी वॉल्स को काफी ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। ये सी वॉल सिर्फ समुद्र से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि इंडिया की करोड़ों की कोस्टल इकोनॉमी को भी बचाता है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट में लाखों लोग कोकोनट फार्मिंग, सोल्ट फार्मिंग और फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। समुद्र के पानी से जमीन का कटाव और नमक वाला पानी खेत में घुस जाने से जमीन और फसलें खराब हो रही है। सी वॉल इन एरियाज को सिक्योर करके उनकी इनकम को प्रोटेक्ट करता है और फ्यूचर डिजास्टर से फार्मिंग और मैरीन इकोनॉमी दोनों को शील्ड देता है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो पीढ़ियों से समुद्र के पास रहते आए हैं। हर बार साइक्लोन के बाद इन लोगों को अपना घर, स्कूल और जिंदगी फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। सी वॉल इन विलेज को बार बार विस्थापन से बचाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी स्थिर हो सके। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो अगर भारत ने कोस्ट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट तेज नहीं किया तो 2050 तक 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन सकते हैं, यानी वो लोग जिन्हें समुद्र की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अब जानते हैं इन प्रोजेक्ट्स के ग्लोबल कंपैरिजन के बारे में। वैसे तो इंडिया का ये कोस्टल प्रोटेक्शन मॉडल ग्लोबली एडमायर हो रहा है, स्पेशली क्योंकि हम लो कॉस्ट प्लस इकोलॉजिकल अप्रोच ले रहे हैं। वहीं बात करें ग्लोबल सी वॉल्स की, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे नीदरलैंड के डेल्टा वर्क्स के अंदर 3,500 किलोमीटर के लेव्स और फ्लोड गेट्स बनाए गए हैं। जापान के तोहोकू कोस्ट में भी 10 मीटर हाइट वाली सुनामी वॉल्स बनाई गई है। एंड साउथ कोरिया के अंदर लॉन्गेस्ट मैनमेड सी वॉल है, जो 33 किलोमीटर तक कंटिन्यू है। अब इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, पॉवर्टी ज्यादा है, इकोसिस्टम सेंसिटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट इतना इजी नहीं होने वाला, बल्कि काफी सारे चैलेंजेस भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। एंड बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट के मेजर चैलेंज की, तो मेजर चैलेंज है लैंड इक्वेशन। देखिए, कोस्टल लैंड पर जो लोकल रेजिडेंट मिलता है वो अपनी जमीन देने के लिए जल्दी से रेडी नहीं होते हैं। नंबर दो पे है इकोलॉजिकल रिस्क। इस तरह की मैन मेड बड़ी बड़ी वॉल कंस्ट्रक्शन से मंग्रोव्स और मरीन लाइफ को डिस्टर्ब होता है, जो थोड़ा कम इको फ्रेंडली है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट। सी वॉल बनाना तो इजी है, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बट इनको मेंटेन करना काफी कॉस्टली है। इनके अलावा करप्शन और डिलेस भी हमारे इंडिया में काफी है। मेजर करप्शन के चलते कुछ स्टेट्स में तो प्रोजेक्ट स्टक है पेपर वर्क में ही। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक पॉइंट है, क्योंकि फिशिंग कम्युनिटीज को न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा सा डर लगता है, उनको इसकी अवेयरनेस नहीं है कि ये उनकी सेफ्टी के लिए है। एंड अगर ये जो सब इशू है टाइमली एड्रेस नहीं किए गए तो ये पूरा मॉडल ही कोलैप हो सकता है। एंड फाइनली अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो 7 करोड़ लोग सेफर होंगे इंडिया में। पोर्ट, कोस्टल हाईवेज, फिशिंग इकोनॉमी और टूरिज्म सिक्योर हो जाएगी। एग्रीकल्चरल, ग्राउंड वाटर और इकोसिस्टम पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा और इंडिया बन सकता है एशिया के कोस्टल क्लाइमेट अडॉप्शन का मॉडल। लेकिन कुछ बड़े सवाल मैं वीडियो के एंड में आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे क्या ये 1300 किलोमीटर की सी वॉल समुद्र की तबाही को रोक पाएगी, या हम सिर्फ कुछ वक्त खरीद रहे हैं जब तक सी लेवल और क्लाइमेट चेंज और ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। इस पूरे टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।